सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। और आज मेरे हाथ में एक अमेजिंग प्रोडक्ट की चाबी है जिसका नाम है Hyundai Venue। ये Hyundai Venue का S वेरिएंट है। अब S वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है, क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की आपको इसके अंदर मिल जाती है, फ्लिप की मिल जाती है और एक नॉर्मल की आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है देखने में, और ये S वेरिएंट तो और भी ज़्यादा शानदार लग रहा है। ब्लू कलर में बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, और अगर आप इसको रात में देखते हैं तो हल्का सा ब्लैकिश शेड आपको जरूर से जरूर देगा। और ब्लैक कलर के इसके व्हील कैप भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। सामने की प्रोफाइल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की पूरी ही जो है प्रोफाइल आपको इसके अंदर मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको ऊपर मिल जाएंगे और नीचे हेडलाइट मिल जाती है हेलोजन बेस्ड, और एक ग्रिल मिल जाती है जो एक ब्लैक क्रोम के साथ आपको मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। यहाँ आगे जो है आपको जो है नंबर प्लेट का भी सेटअप मिल जाता है, नीचे भी आपको जो कुछ क्लैडिंग मिल जाती है, नीचे कुछ आपको जो है एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ सिल्वर गार्निश मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक स्पोर्टी जो है लाइनअप आपको जो है क्रिएट करके दे देता है। आगे बम्पर पे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगती है उस एक छोटे से जो है ट्रीटमेंट से। अगर वहीं अगर आप बात करते हैं तो फेंडर पे इंडिकेटर आपको मिल जाता है, ना कि इसके ORVM पे। एस ऑप्शनल लेंगे तो यहाँ आपको ORVM पे जो है इंडिकेटर मिल जाता है। और वहीं अगर आप बात करते हैं इसके व्हील की, तो इसके अंदर जो है आपको गुडियर का टायर इसके अंदर ऑफर किया गया है, और 195 R 15 inches का आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि इसका वृत्त हल्का फुल्का मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है। जो टॉप वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बेसिकली वो आता है 205 के अराउंड, तो ये थोड़ा सा कम है। और अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो है आपको रूफ रेल्स मिल जाती है सिल्वर कलर की, और यहाँ अगर आप देखेंगे हल्का सा ट्रीटमेंट भी यहाँ यूज़ किया गया है। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, पीछे आपको जो है डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, Venue का बैज मिल जाएगा, Hyundai का बैज मिल जाएगा। वहीं अगर आप देखते हैं ये वाले पोर्शन की, तो पीछे हेलोजन बेस्ड ब्रेक लैंप इंडिकेटर और रिवर्स लैंप जो है हेलोजन बेस्ड आपको मिल जाता है। पीछे सेंसर्स मिल जाएंगे, 1-2 सेंसर पीछे आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जब गाड़ी आप पार्क कर रहे हो या रिवर्स कर रहे हो। बाकी ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। और आप एक बार इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो 3995 mm की इसके अंदर लेंथ मिल जाती है। वहीं विड्थ की बात कर लेते हैं, 1770 mm की इसके अंदर विड्थ मिल जाती है। वहीं अगर आप इसकी हाइट की बात करते हैं तो 1617 mm की इसके अंदर जो है हाइट आपको मिल जाती है। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं गाड़ी के अंदर। अब एक बार चलते हैं इंटीरियर में, क्या कुछ स्पेस है, क्या कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर जो मिल जाते हैं आपको। चलते हैं इंटीरियर में, और यहाँ से जो है मैं इसका डोर ओपन कर लेता हूँ। तो डोर ओपन करते ही इसका एक अमेजिंग सा डोर ट्रिम आपको मिल जाता है, जो कि डुअल टोन में आपको मिल जाएगा। यहाँ बेज फिनिश मिल जाती है। यहाँ अगर देखेंगे तो पावर विंडो से रिलेटेड और ORVM से रिलेटेड यहाँ कंट्रोल मिल जाते हैं। ORVM आप फोल्ड नहीं कर सकते, बट एडजस्ट आप जो इससे जरूर कर देंगे। यहाँ से जो है डोर आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ बॉटल होल्डर मिल जाता है, कुछ स्पेस यहाँ स्पीकर का मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट सीट्स नहीं मिलेगी इसके अंदर। यहाँ अगर आप देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, लाइट लेवलर मिल जाता है, और अगर आप देखेंगे फैब्रिक सीट है इसके अंदर मिल जाएगी। यहाँ से जो है आप हुड इसका ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है फ्यूल लिड इसका एक्सेस कर सकते हैं। अब एक बार चलते हैं इंटीरियर में। जी आ चुके हैं इंटीरियर में, क्या कुछ चीज़ें इंटीरियर में आपको मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका जो है म्यूजिक सिस्टम देखते हैं तो काफ़ी डिसेंट साइज़ का इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों ही चीज़ें आप आराम से चला सकते हैं वायरलेसली। और अगर आप देखेंगे नीचे कुछ फिजिकल बटन्स भी मिल जाते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको जो है एक पूरी ही लाइन मिल जाती है, जिसके अंदर जो है आपको हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है। नीचे जो है आपको क्लाइमेट कंट्रोल का यहाँ एक्सेस मिल जाता है, यहाँ मैनुअल आपको क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर मिल जाएगा। और वहीं अगर आप बात करते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन की, तो यहाँ आपको जो है एक टाइप सी 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB सॉकेट मिल जाता है। वायरलेस चार्जर इसके अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ आपको 5 फीट का एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। और अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग कुछ इस तरीके का इसके अंदर मिल जाता है, लेदराइट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप देखते हैं इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ से जो है आप MID कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी इसके अंदर मिल जाती है, जो कि काफ़ी
काफ़ी अच्छी बात है। 6 एयरबैग्स इसके अंदर जो है आपको नहीं मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर साइड आपको मिल जाते हैं, और वहीं अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ही राउंड आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, फ्लैट बॉटम, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं मिलेगी इसके अंदर। स्टीयरिंग टिल्ट हो जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं हो पाता। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको जो है यहाँ मिल जाती है, और अगर आप देखेंगे वाइपर के कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं। MID की बात कर लेते हैं तो MID देखो कुछ इस तरीके के क्लस्टर आपको जो है देती है, काफ़ी सही भी सा भी लगता है और एवरेज वगैरह तो सो ही करेगा। और ये सारी चीज़ें हो गई, आगे की एक बार इसका ग्लव बॉक्स देख लेते हैं। तो ग्लव बॉक्स के अंदर आपको जो है कूल ग्लव बॉक्स तो नहीं मिलता, लेकिन नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। यहाँ कुछ स्पेस मिल जाता है, और यहाँ देखेंगे IRVM आपको इधर कुछ मिल जाएगा, और अगर आप देखेंगे इस साइड तो यहाँ आपको जो है कुछ प्लेन जो है यहाँ आपको सनशेड मिल जाता है, बेसिकली ये जो आपको शेड होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ आपको माइक मिल जाता है, यहाँ अगर आप देखेंगे वैनिटी मिरर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आगे मिल जाती है। बोनट की बात करते हैं तो बोनट ज़रूर से ज़रूर इसका नज़र आता है, और एज टू एज नज़र आता है। और अगर आप देखते हैं ORVMs काफ़ी ज़्यादा बड़े इसके अंदर दिए हुए हैं। सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो सेंटर कंसोल में यहाँ एक स्पेस अलग सा मिल जाता है, दो कप होल्डर्स का स्पेस मिल जाता है अलग अलग साइज़ के लिए। हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिल जाएगा, और वहीं अगर आप देखते हैं आर्मरेस्ट भी मिल जाता है सॉफ्ट टच के साथ, और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर भी मिल जाएगा, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक बार चलते हैं पीछे, क्या कुछ स्पेस पीछे आपको मिल जाता है। पीछे की बात कर लेते हैं तो पीछे भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। डोर ट्रिम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम मिल जाती है, डुअल टोन में। यहाँ आपको बेज फिनिश मिल जाता है, ब्लैक फिनिश मिल जाता है, यहाँ डोर ओपनर मिल जाता है, पावर विंडोज रिलेटेड कंट्रोल कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। पीछे एक नया अपडेट आ गया है, 3 एड्रेस मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको 60-40 मिल जाएगा। तीनों ही एड्रेस आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सही है। बाकी सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, नॉर्मल पोजिशन है, इसको आप और भी पीछे कर सकते हैं जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी अगर आप बात करते हैं पीछे वाले पोर्शन की तो यहाँ आपको जो है दो टाइप से मिल जाते हैं, AC वेंट्स मिल जाते हैं। डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का है, यहाँ आपको ऊपर जो है लाइट्स का सेटअप मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पॉकेट नहीं मिलेगी, को ड्राइवर साइड भी आपको पॉकेट नहीं मिलेगी। बाकी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, नी रूम भी काफ़ी अच्छा है, अंदर जो है इसको दबा के रखा हुआ है जिसकी वजह से अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप हेडरूम की बात करते हैं तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। ये सीट को मैंने जो है रिक्लाइन कर दिया, थोड़ा सा पीछे कर दिया, वहीं अगर आप इसको हल्का सा जो है ऊपर करते हैं तो ऊपर का जो हेडरूम है थोड़ा कम हो जाता है, बट उतना कम नहीं होता जो एक इफेक्टिव जो है आपको इफेक्ट करे, पर सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही जो है पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रह जाती है। बाकी इसके अंदर 5 हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि पांचों ही इसके अंदर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार चलते हैं बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ बूट स्पेस आपको ये देती है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो 350 लीटर के आसपास का बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि 350 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है। और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीट्स जो है नॉर्मल भी एडजस्ट हो जाती है, और ये और भी पीछे हो जाएगी जिसकी वजह से काफ़ी एक अच्छा खासा कंफर्ट आपको मिल जाता है। बाकी काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे आपको इसके अंदर नहीं ऑफर की जाएगी, बाकी आप एक्सेसरीज के थ्रू लगवा जरूर सकते हैं। पीछे एक स्पेयर व्हील मिल जाता है जो सेक्शन आपको प्रोवाइड करता है 195/65R 15 inches का, जो कि सेम ही सेक्शन है जो नॉर्मल व्हील में लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है और काफ़ी सही चीज़ हो जाती है। बाकी एक बार चलते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो 1.2 लीटर का एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वॉल्व सिलेंडर आपको इसके अंदर मिल जाता है DOHC। और वहीं अगर आप बात करते हैं इंजन टाइप की तो 1.2 कापा इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि पेट्रोल है, और पावर इसके अंदर निकाल के देगा 82 BHP निकाल के देगा। वहीं टॉर्क की बात करते हैं, अराउंड 140 Nm का टॉर्क आपको ये निकाल के देगा जो कि काफ़ी सही है। बाकी अगर आप इसकी माइलेज की बात करते हैं, अराउंड आपको जो है 18 आपको माइलेज दे देगा हाईवेज पे। वहीं अगर आप इसकी जो है सिटी माइलेज की बात करते हैं, अराउंड 13-15 की माइलेज आपको ये निकाल के दे देगा। बाकी अगर आप इस गाड़ी को ओन करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि गाड़ी माइलेज कितना देती है। बाकी इंसुलेशन आपको SS नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो है आपको एक अच्छा खासा जो है ये इंजन मिल जाता है, ज़्यादा नॉइस वगैरह नहीं निकाल के देगा, तो इंसुलेशन उतनी खास नहीं दी गई है, बट नॉइस वगैरह नहीं आती है इसके अंदर। सो जी, गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये वेरिएंट कैसा लगा S वेरिएंट, और मुझे ये जरूर बताना कि अगर आप इसको ओन करते हैं तो ये गाड़ी रिएक्ट कैसा कर रही है और परफॉर्मेंस कैसे निकाल के दे रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।